हमारे देश में 5 वर्ष में चुनाव प्रक्रिया होती है, जिसमें जीतने वाले दल को देश चलाने का मौका मिलता है। ठीक इसी तरह ग्रहों के मंत्रिमंडल की भी चुनाव की प्रक्रिया हर 9 संवत्सर के साथ की जाती है। प्रतिवर्ष ग्रहों का मंत्रिमंडल बदलता है। हर साल राजा चेंज होता है, सेनापति चेंज होता है, इसी तरह हर विभाग के जो भी शासक है वह सब चेंज होते हैं। यह संवत्सर इसलिए भी खास है, 1 जनवरी 2022 की शुरुआत शनिवार के दिन से हुई है। ठीक उसी तरह 2 अप्रैल से जब नए विक्रम संवत 2079 की शुरुआत होगी तो उस दिन भी शनिवार का दिन रहने वाला है। इसमें खास बात यह है कि 100 साल में ऐसा 15वीं बार हो रहा है और 10 साल में दूसरी बार ऐसा होने जा रहा है जब हिंदी नववर्ष की शुरुआत शनिवार के दिन से होने जा रही है। वर्ष 2022 में शनि ग्रह का कोई भी राशि परिवर्तन नहीं हुआ। यह इस संवत्सर के राजा हैं और संवत्सर का नाम नल है। जैसे ही 2 अप्रैल को शनिदेव राजा की पदवी संभालेंगे, ठीक उसके 27वें दिन शनि ग्रह अपनी मकर राशि से निकलकर अपनी ही कुंभ राशि में भी प्रवेश कर जाएंगे। 2078 के राजा मंगल ग्रह थे, जबकि 9 संवत्सर में शनि ग्रह को यह पदवी संभालनी है, तो इसलिए यह जो संवत्सर है यह बहुत खास होगा और इसके अनेकों प्रभाव भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस पे राजा शनि ग्रह है और मंत्री देवगुरु बृहस्पति है। धनेश की पदवी यह भी शनि ग्रह के ही पास है, जबकि दुर्गेश यानी सेनापति बुध ग्रह को बनाया गया है। धान्येश यानी कृषि और खाद्य विभाग शुक्र ग्रह के अंतर्गत है। तो इन सब ग्रहों का संवत 2079 में किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा, जो इन्हें विभाग दिए गए हैं उनमें किस प्रकार के प्रभाव आएंगे, इस सब पर आज हम विस्तृत पूर्वक चर्चा करेंगे। तो जो भी नए व्यूअर्स चैनल पे हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं शनि ग्रह के विक्रम संवत 2079 में राजा होने से हमारे देश पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। नव संवत्सर 2079 में ग्रहों का राजा एक देश के प्रधानमंत्री की भांति भूमिका को निभाते हैं। वर्ष के राजा शनिदेव है, जो इस पूरे साल मंत्रिमंडल में प्रमुख रहेंगे। ऐसे में शनि के राजा होने से युद्धों में वृद्धि होगी, समाज में दंगों का माहौल भी रह सकता है और जनता को मारपीट और महंगाई का भय भी परेशान करेगा। कई देशों की जनता तो अपने सरकार के खिलाफ विद्रोह कर सकती है और लोग कई प्रकार के रोगों और महामारी से भी पीड़ित रहेंगे। शनि ग्रह के प्रभाव से अकाल और जनहानि की परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। भारत के कई राज्य आतंकी घटनाओं से परेशान रहेंगे, कई राज्यों में पलायन की स्थिति बन सकती है। वहीं अगर हम मंत्री देवगुरु बृहस्पति की बात करें, जिस प्रकार से देश की सरकार में द्वितीय स्थान गृह मंत्री का होता है, ठीक उसी प्रकार मंत्रिमंडल में भी यह भूमिका मंत्री की होती है। ऐसे में नवीन संवत्सर 2079 का देवगुरु बृहस्पति मंत्री पद संभालने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति के मंत्री होने से सभी प्रकार के अनाजों, जिसमें गेहूं, चावल, धान, मक्के आदि जो भी अनाज है, उनका उत्पादन पर्याप्त मात्रा में हो सकेगा और इस वर्ष वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में होगी। सरकार कई कल्याणकारी योजनाओं में तेजी से काम करती हुई दिखाई देगी और लोगों में धार्मिक विश्वास बढ़ेगा। इसके अलावा गन्ना, गुड़, दूध, तेल और भी अन्य रसदार पदार्थों में वृद्धि देखी जाएगी। वहीं अगर हम धनेश की बात करें, किसी भी देश के अच्छी तरह संचालन के लिए धन की व्यवस्था करना जिस प्रकार से वित्त मंत्री की जिम्मेदारी होती है, ठीक उसी प्रकार ग्रहों के मंत्रिमंडल में यह कार्य धनेश या आप उसे कोषपति भी कह सकते हैं, उनको दिया जाता है। नवीन संवत्सर 2079 में धनेश का पद स्वयं शनि ग्रह ने अपने पास रखा है। ऐसे में व्यापारी वर्ग में हमें धन की कमी देखने को मिलेगी। देश के व्यापारी हानि होने की वजह से असंतुष्ट नजर आएंगे। कई बड़े व्यापारी यह प्रसिद्ध लोगों को रोग एवं शोक परेशान कर सकता है। आयात निर्यात से जुड़े हुए लोग प्रशासनिक कुटिल नीतियों के कारण काफी परेशान नजर आएंगे। विश्व भर में कृषि वर्ग में भी प्राकृतिक प्रकोपों के कारण हानि की संभावना बढ़ रही है।
वहीं अगर हम दुर्गेश की बात करें यानी सेनापति की, इस वर्ष जो सेनापति है वह है बुध ग्रह। बुध के सेनापति होने की वजह से जनता को मिश्रित परिस्थितियों से दो चार होना पड़ेगा। जनता सामान्य भौतिक सुखों का उपभोग कर पाएगी। धनवान व बड़े व्यापारियों को सरकार से सहयोग प्राप्त होगा। इस वर्ष शत्रु देशों का हमारी सीमाओं पर अतिक्रमण सामान्य से कम देखने को मिलेगा, परंतु देश की अर्थव्यवस्था काफी कमजोर रहने वाली है। अगर हम धान्येश की बात करें यानी कृषि एवं खाद्य विभाग, यह शुक्र ग्रह के अंतर्गत है। धान्येश शुक्र होने की वजह से शीतकालीन फसलों जैसे कि जौ, मक्की, गन्ना, गेहूं आदि का उत्पादन अपेक्षा से काफी कम रहने वाला है। कई देशों में तूफान, प्राकृतिक प्रकोप, असामान्य वर्षा आदि के कारण फसलों को काफी नुकसान पहुंचेगा, जिसके परिणाम स्वरूप दालों, मसालों, सब्जियों और पशु के चारे के भाव में तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि शुक्र की वजह से देश में रोजगार में वृद्धि देखने को मिलेगी। शुक्र हमारे व्यापारी जातकों को भी कुछ लाभ प्रदान कर सकते हैं। तो यह हमारे 5 विभाग थे जो नव संवत्सर 2079 में इन ग्रहों द्वारा संचालित होने हैं और उसके इस प्रकार के परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।